नेस्ले लैक्टोजन 1 इन्फेंट्स फॉर्मूला पाउडर जो कि 6 मंथ तक के बच्चे को जो है यूज़ आप लोग कर सकते हैं, जो कि स्टेज 1 फॉर्मूला है। नेस्ले लैक्टोजन स्टेज 1 जो है इसको आप लोग 6 मंथ तक के बच्चे को जो है यूज़ करवा सकते हैं। और ये जो है एक स्प्रे ड्राइड इन्फेंट फॉर्मूला है और जिसके बीच में प्रोबायोटिक प्रेजेंट होते हैं, लिमोसी लैक्टोबैसिलस रिट्योरी प्रेजेंट होते हैं, और इसको आप लोग जो है बच्चे को बर्थ से ही जो है पिला सकते हैं। अगर बच्चा जो है माँ का दूध ना पिए तो उन कंडीशन में आप लोग जो है नेस्ले लैक्टोजन स्टेज 1 जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेस्ले लैक्टोजन 1 इन्फेंट फॉर्मूला जो है जो एक पाउडर फॉर्म में है और जिसके बीच में वे प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन जो है वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं हर एक सेल के, तो वे प्रोटीन जो है वो कंपोनेंट होते हैं मिल्क के और बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसको डाइजेस्ट करना। केयरफुल और हाइजीनिक प्रेपरेशन जो है बच्चे के मिल्क की बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है उसके हेल्थ के लिए। तो आप लोगों को प्रॉपर वे से जो है फीडिंग टेबल को कंसल्ट करना है, और साथ में ही जो इस पैक के बीच में आप लोगों को स्कूप दिया गया है तो उसी स्कूप की मदद से आप लोगों को पाउडर को जो है मेजर वी करना है। तो इस मिल्क को आप लोग जो है कुछ सिंपल स्टेप्स की मदद से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने हाथों को अच्छे से जो है वॉश कर लेना है, और जो भी एक्सेसरीज जो है यूज़ होंगी जैसे कि बॉल वगैरह आ गया तो उन सबको जो है आप लोगों को अच्छे से स्टीरलाइज वगैरह कर लेना है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही कर ली हैं। तो फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो वाटर है उसको भी बॉयल वगैरह कर लेना है आप लोगों को, वो भी हम लोगों ने वाटर को बॉयल करके जो है ले लिया है गिलास में। फिर उसके बाद आप लोगों को जो बेबी बॉटल जो होती है तो उसके बीच में आप लोगों को जो है मेजरिंग लेवल जो है वो दिख जाएगा, तो उससे आप लोग जो है देख सकते हैं और फीडिंग टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग जो है उसको तैयार कर सकते हैं। तो फीडिंग टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों का बच्चा जो है वो फर्स्ट जो फिर सेकंड वीक में है तो उसमें आप लोग जो है 30 ml, 60 ml या फिर 90 ml तक जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगी कि बच्चा जो है कितना कंज्यूम करता है, ठीक है, वो चीज़ आप लोग खुद देख लेना। अगर कम कंज्यूम करता है तो आप लोग जो है 30 ml जो है वो बना सकते हैं और उसके बीच में एक स्कूप जो है आप लोगों को पाउडर का डालना है। अगर आप लोगों का बच्चा जो है 60 ml जो है कंज्यूम करता है तो आप लोग जो है उसके बीच में 2 स्कूप जो है वो डाल सकते हैं मिल्क पाउडर के। अगर 90 ml जो है आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके बीच में आप लोग जो है 3 स्कूप जो है वो डाल सकते हैं। अगर आप लोगों का बच्चा जो है वो थर्ड या फिर फोर्थ वीक में है तो उसके लिए आप लोग जो है 120 ml तक जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बीच में आप लोगों को 4 स्कूप जो है इस पाउडर के डालने हैं। अगर आप लोगों का बेबी जो है वो सेकंड मंथ का है तो उसके लिए आप लोग जो है 150 ml तक जो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बीच में आप लोगों को 5 स्कूप जो है वो डालने हैं मिल्क पाउडर के। अगर आप लोगों का बेबी जो है थर्ड या फिर फोर्थ मंथ में है तो उसके लिए आप लोग जो है 180 ml तक जो है वो बना सकते हैं और उसके बीच में आप लोगों को 6 स्कूप जो है इस मिल्क पाउडर के डालने हैं। अगर आप लोगों का बेबी जो है वो 5th से लेके 6th मंथ के बीच में है तो उसके लिए आप लोग जो है 210 ml तक जो है प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बीच में आप लोगों को 7 स्कूप जो है इस मिल्क पाउडर के डालने हैं। मिल्क पाउडर को ऐड करने के बाद वाटर के बीच में आप लोगों को जो है अच्छे से जो है इसको शेक वी करना है ताकि जो अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। और बच्चे को जो है पिलाने से पहले एक बार जो है आप लोगों को जो है इसके टेम्परेचर को भी जो चेक कर लेना है। जो भी आप लोग जो है फीड वगैरह तैयार करेंगे वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर के इतना जो है टेम्परेचर होना चाहिए और उसके बाद ही जो है आप लोगों को जो है उसको बच्चे को पिलाना है। जब आप लोग जो है बच्चे को जो है इस मिल्क को पिलाएंगे तो बच्चे को जो है अच्छे से जो है होल्ड कर लेना है और उसके बाद ही जो है आप लोगों को जो है बच्चे को इसको पिलाना है। और जो पिलाने के बाद बच जाएगा मिल्क तो उसको आप लोगों को डिस्कार्ड वगैरह कर देना है। अगर हम लोग जो है इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो कि लैक्टोजन 1 मिल्क पाउडर के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो उसके बीच में मिल्क सॉलिड प्रेजेंट होता है, डीमिनरलाइज्ड वे प्रेजेंट होता है, सोयाबीन ऑयल प्रेजेंट होता है, कॉर्न ऑयल मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, और सोया लेसिथीन प्रेजेंट होता है, विटामिन्स होते हैं प्रोबायोटिक के तौर पे इसके बीच में, लिमोसी लैक्टोबैसिलस रिट्योरी प्रेजेंट होता है, टॉरिन प्रेजेंट होता है, और एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पे इसके बीच में सिट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, और साथ में ही इसके बीच में एल कार्निथिन प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग जो है मिनरल्स की बात करें तो इस मिल्क पाउडर से जो है आप लोगों के बेबी को कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, सोडियम, पोटाशियम, मैंगनीज, आयरन और आयोडीन जो है वो मिलेंगे। अगर हम लोग जो है विटामिन की बात करें जो कि इस मिल्क पाउडर से आप लोगों के बेबी को मिलेंगे तो उनके बीच में आ जाएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, और साथ में ही थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन
और पैंथोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन V6, बायोटीन, विटामिन V12, कोलिन, टॉरिन और एल कार्निथिन जो है वो मिलेंगे। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो 400 ग्राम की पैकेजिंग जो है आप लोगों को 375 रुपये की मिलेगी। और जब कभी भी आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदना चाहिए। अगर आप लोग जो है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों को जो है इस बॉक्स को जो है कोल्ड ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है और डायरेक्ट सनलाइट से जो है प्रोटेक्ट करना है और बच्चों से भी आप लोगों को जो है इसको दूर रखना है।